जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल बी इंडियन में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि विदेशी वर्सेस स्वदेशी आईवीआर यानी चश्मा कंपनीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं नंबर वन से। नंबर वन पर है रेबैन। रेबैन एक सॉलिड इटालियन ब्रांड है जिन्हें सनग्लास, आई ग्लास, कॉन्टेक्ट लेंस सब कुछ मार्केट में आते हैं। इसे लक्सोटिका ग्रुप ओन करता है। ये एक फॉरेन चश्मा कंपनी है तो हमें इसे यूज नहीं करना चाहिए और इसका हेडक्वार्टर है मिलान, इटली में। इसकी जगह पर हम फास्ट्रैक के चश्मा को यूज कर सकते हैं। फास्ट्रैक एक इंडियन फैशन कंपनी है। इनके सनग्लास, आई ग्लास, कॉन्टेक्ट लेंस सब कुछ मार्केट में अवेलेबल है। इनके बजट में काफी अच्छा क्वालिटी में सनग्लास मिल जाता है। ब्लैक, ब्राउन, ग्रे ऐसी और भी कलर्स में मेन एंड वुमेन के लिए अलग अलग सनग्लास इनके मिल जाते हैं, तो आप इसके लिए बिल्कुल जा सकते हैं। और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नंबर टू पर है दोस्तों पोलारॉइड। पोलारॉइड आईवीआर कंपनी एक फॉरेन इटालियन कंपनी है। इसे सफोलो ग्रुप का ओन करता है। सनग्लास, रीडिंग ग्लास, क्लिप ऑन लेंस इंडियन मार्केट में इनके ज्यादा बिकते हैं, लेकिन हमें इसे परचेस नहीं करना चाहिए। ये एक फॉरेन इटालियन कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर है पैडोवा, इटली में। इसकी जगह पर हम आईडी ब्रांड के आईवीआर को यूज कर सकते हैं। इनके स्टैंडर्ड्स आईवीआर, आइकॉनिक सनग्लास सब कुछ मार्केट में अवेलेबल है। आईडी एक ट्रेंड सेटर सनग्लास ब्रांड है, आप इसके लिए बिल्कुल जा सकते हैं। एक इंडियन ब्रांड है और इसके हेडक्वार्टर है कोलकाता में। नंबर तीन पर है भोग। भोग आईवीआर एक फॉरेन इटालियन कंपनी है। इसे भी लक्सोटिका ग्रुप ओन करता है। इनके भी सभी प्रकार के आईवीआर जैसे सनग्लास, आई ग्लास, कॉन्टेक्ट लेंस सब कुछ मार्केट में मिल जाता है, लेकिन ये एक फॉरेन इटालियन कंपनी है तो हमें इसे भी यूज नहीं करना चाहिए। और इसका हेडक्वार्टर है मिलान, इटली में। इसकी जगह पर हम टाइटन कंपनी के आई ग्लासेस को यूज कर सकते हैं। टाइटन के सनग्लास, नॉर्मल ग्लास सब कुछ अवेलेबल है। टाइटन एक बहुत बड़ा इंडियन कंपनी है तो आप इसके लिए बिल्कुल जा सकते हैं। और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। नंबर चार पर है गुसी। गुसी एक फॉरेन लक्सरी इटालियन फैशन ब्रांड है। इनके सनग्लास इंडियन मार्केट में ज्यादा बिकते हैं। इनके और भी टाइप्स के आई ग्लास मार्केट में मिलते हैं, लेकिन ये एक फॉरेन कंपनी है तो हमें इसे यूज नहीं करना चाहिए। और इसका हेडक्वार्टर है फ्लोरेंस, टास्कनी, इटली में। इसकी जगह पर हम इमेज ब्रांड के आईवीआर को परचेस कर सकते हैं। ये एक इंडियन आईवीआर कंपनी है। रौनक गुप्ता इसके फाउंडर है। इनके बहुत ही अच्छा क्वालिटी का सनग्लास मार्केट में मिल जाता है तो आप इसके लिए बिल्कुल जा सकते हैं। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नंबर पांच पर है दोस्तों कैरेरा। कैरेरा आईवीआर एंड सनग्लास एक फॉरेन ऑस्ट्रिया एंड इटली बेस्ड कंपनी है। इनके सनग्लास स्पोर्ट्स आईवीआर मार्केट में ज्यादातर फेमस है। कैरेरा सनग्लास ज्यादातर सेलिब्रिटीजों में फेमस है। इनके इंडियन मार्केट में भी काफी ज्यादा बिकते हैं। हमें इसे भी परचेस नहीं करना चाहिए। ये एक फॉरेन कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर है पैडोवा, इटली में। इसकी जगह पर हम कूल विंग्स के आईवीआर को यूज कर सकते हैं। इनके सनग्लास, नॉर्मल आई ग्लास, पीआरसी ग्लास सब कुछ मिलते हैं। एक यूथफुल फैशन फॉरवर्ड आईवीआर ब्रांड है। ये एक इंडियन आई ग्लास कंपनी है तो आप इसके लिए बिल्कुल जा सकते हैं। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नंबर सिक्स पर है दोस्तों लैक्टोस। लैक्टोस एक फ्रेंच आई ग्लास कंपनी है। इनके भी सनग्लास, आई ग्लास मार्केट में बिकते हैं। इनके सनग्लास में स्पेशल ग्रीन क्रोकोडाइल का सिंबल होता है, लेकिन हमें इसे भी परचेस नहीं करना चाहिए। ये एक फॉरेन कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस में। इसकी जगह पर हम एच आर एक्स के आईवीआर को परचेस कर सकते हैं। एच आर एक्स एक इंडियन कंपनी है। ऋतिक रोशन इनके ब्रांड एम्बेसडर है। इनके सनग्लास, नॉर्मल ग्लास मार्केट में आते हैं तो आप इसके लिए बिल्कुल जा सकते हैं। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो दोस्तों एक बार रिकैप करके देख लेते हैं कि कौन सा आईवीआर कंपनी फॉरेन है यानी मेड इन इंडिया नहीं है, और वो सब है रेबैन, पोलारॉइड, भोग, गुसी, कैरेरा, लैक्टोस। ये सभी फॉरेन कंपनी का आईवीआर ब्रांड है जिन्हें हमें यूज नहीं करना चाहिए। इन सब की जगह पर हम मेड इन इंडिया यानी इंडियन कंपनी के आई ग्लासेस को परचेस करेंगे, और वो सब है फास्ट्रैक, आईडी, टाइटन, इमेज, कूल वाइंग, एचआरएक्स। ये सभी मेड इन इंडिया यानी इंडियन कंपनी का आईवीआर है तो आप इसके लिए बिल्कुल जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था कुछ स्वदेशी यानी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स। जो आपको पसंद हो, जो अच्छा लगे उन्हें यूज करें।
इतना ही कहना था, अपने देश का प्रोडक्ट को यूज करे, देश को सपोर्ट करे, देश को आगे लेकर चले। ये हमारा वीडियो था स्वदेशी वर्सेस विदेशी आईवीआर कंपनीज के बारे में। नेक्स्ट टाइम ऐसी और भी वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलना मत। दोस्तों हम बहुत रिसर्च करके वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। I never made it, but I know I